अपने आप नो जांच से यहां यदि हम अपने आप को जांचते तो क्या ना करते, दंड ना पाते। हालेलुया, मैं सच कह रहा हूं, असि हर चीज जांच दे पर रखते हैं, कदे अपने आप नो जांच के नहीं देखा कि तू किहड़े माहौल च जा रहे हैं, किहड़ी पाप या नशे वाली या एक क्रोध वाली या एक कह सकते हैं कि चोरी वाले माहौल च तो नहीं जा रहा। हालेलुया, अपने आप नो चेक करना है। आमें। आमें। है ना, आइए मेरे नाल एक गल मैं पढ़ांगा, क्योंकि आप जानते हैं, मेरी गल सुनिए, बाइबल दे विच लिखा है कि दोष लगान वाला कौन है, शैतान, ईर्ष्या जलन क्रोध पैदा करने वाला शैतान है। लेकिन प्रभु दा आत्मा की करता है, प्रभु दा आत्मा सानू पाप दे बारे जागृत करता है, खुदा दा आत्मा पाप दे बारे जागृत करता है कि ये ऐदा नहीं करना है। मेरे नाल ध्यान नाल थोड़ा जिहा एक कलाम पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर दे वचन दे विचों, यूहन्ना दी अंजील 16 अध्याय 8 वचन, जी 16:8, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। हाँ, कहिंदा वो आत्मा आके तेनु संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय दे विषय में निरंतर करेगा, इस दे बारे चौकस करेगा कि ये पाप है, ये अधर्म है, ये न्याय है। हालेलुया, लेकिन जो शैतान है ना, शैतान इस तो अलग नहीं करेगा, चौकस नहीं करेगा, बल्कि ये काम करवाएगा। समझ आ रही? हालेलुया, याद रखना, चेक करना मेरे पैन पियो कि सानू केड़ा आत्मा छू रहा है, कि पवित्र आत्मा छू रहा है या शैतान का आत्मा छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया, समझ आ रही मैं की कह पा रहे हैं? कि अगर खुदा का आत्मा छूएगा ना, परमेश्वर का आत्मा छूएगा ना, तो अंदर हर अच्छी गल एंटर करेगी।